नमो नमः मित्राणि। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, आज टीजीटी गदखंड 10 लेकर के मैं आपके सामने सुखनासो प्रदेश का उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत देखिए मित्रों, ना ही तम पश्याम यो ही अपरिचित अनया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्धः नियतमीय मालेख्यम गतापि चलति पुष्पमयम अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुताप्य अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति। कहा जो है न ही तपस्यामि, कहा निश्चय ही मैं उस व्यक्ति को नहीं देख पाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सुखनास जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे बेटा पुत्र चंद्रापीड़, कहा न ही तम पश्या, कहा मैं ऐसे उन व्यक्तियों को नहीं देखता हूँ यो जो इस ही अपरिचित अनया, इस अपरिचित अनया, अनया माने लक्ष्मी, कहा इस जो है महादुर पिशाचिनी जो है लक्ष्मी के द्वारा कस करके आलिंगन न किया गया, न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्धः अथवा जो लक्ष्मी के द्वारा ठगा न गया हो। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में मैं नहीं देखता हूं जो कि इस लक्ष्मी के द्वारा कस करके आलिंगन न किया गया हो अथवा जो है उस लक्ष्मी के द्वारा ठगा न गया हो। नियमितम माने नियमित रूप से चित्रपट आलेख्यगता भी चलती, कहा चित्रपट पर अंकित होते हुए भी चित्रमयी होती हुई भी चलती। जैसे अगर मित्रों देखिए, अगर कोई चित्र यहाँ पर बना दिया जाए तो इसको तो हुलाया डुलाया जा सकता है लेकिन उस चित्र को जो है नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि बेटा चंद्रापीड़ नियमितम नियतमीय आलेख्यम, नियतमीय आलेख्यम, नियत माने निश्चित रूप से, आलेख्यकता भी चित्रपट पर लिखी गई होती हुई चित्रमयी होती हुई भी यह क्या करती है चलती चली जाया करती है। पुष्पमयम अपि इंद्रजालम आचरती, पुष्पमयम अपि अथवा पुष्पमयम अपि गुड़िया की भांति रखने पर भी इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल जैसा आचरण करती है अर्थात रखने पर भी यह गायब हो जाया करती है। यह किसी के साथ में लक्ष्मी हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई भी कितना सुंदर क्यों ना हो, कोई भी कितना गुणवान क्यों ना हो, कोई भी कितना सरस्वती से युक्त विद्यावान क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मी किसी के पास जो है निर्भर होकर के एक जगह निश्चित नहीं रहती है। इसलिए कहा पुस्तमयम अपि, पुस्तक में गुड़िया की भांति रखने पर भी, जैसे बच्चे जो है गुड़िया आदि से बहुत प्रेम करते हैं, उसको जो है अपने बिस्तर के नीचे अपने तकिया के नीचे हर समय आसपास रखते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी कितना भी जो है इसकी सुरक्षा की जाए लेकिन सुरक्षा करने के बाद भी इंद्रजालम याचरत, गुड़िया की भांति रखने पर भी गायब हो जाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, खुदवा करके रखने पर भी धोखा दे देती है। मिट्टी में अगर खुदवा करके लक्ष्मी को रख दिया जाए तो लक्ष्मी क्या हो जाती है नष्ट हो जाया करती है। तो वही कहने का मतलब है कि उत्कीर्णापि, खुदवा करके रखने पर भी विप्रलभते, यह धोखा दे देती है। श्रुताप्य अभिसंधत्ते, कहा सुन लेने पर भी, श्रुत माने वेद या सुन लेने पर भी यह अभिसंधत्ते छल करती है। चिंतितापि वंचयति, ध्यान करने पर भी यह लक्ष्मी ठग लिया करती है। अब उपगूढ़ में देखिए मित्रों, उप उपसर्ग है, गुह धातु है, अक्ता प्रत्यय है। अब इसके बाद एवं विधापि च अनया दुराचार्या कथम विदयो वसेन परिगृहित विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वविनयानाम् अधिष्ठातानां च गच्छन्ति तथा अभिषेक समय एवं जैसा मंगल कलश जलैरेव प्रच्छाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेन मालिनी क्रियते हृदय पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी परवेदावाद नीयते झान्ते वृष्णे सुभट्टबन्धेनेव आगच्छते जरा न स्मरणम्
जरागमन स्मरणम आतपत्र मंडलेन अपवर्तते परलोक दर्शनम चामर पवन इव अपह्रियते सत्यवादिता भेद्रदंड अपसार्यन्ते गुणा जय शब्द कमल कलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वज पचक जल इव परामिष्यते यशः। देखें मित्रों तो ये जो गद्य खंड है, एवं विधापि च अनया दुराचार्या, एवं विधापि अनया दुराचार्या, कहा इस प्रकार से यह लक्ष्मी इतनी दुराचारिणी है, यह लक्ष्मी एवं विधापि इस प्रकार से यह लक्ष्मी अत्यंत दुराचारिणी है, यह लक्ष्मी दुराचार कथमपि दैव वशेन परिग्रहेता, कथमपि दैव वशेन भाग्य बस किसी तरह अपनाए हुए राजा लोगों को यह इसको प्राप्त करने के लिए विक्लवाह भवन्ति राजानः, राजानः माने राजा लोग विक्लवाह भवन्ति माने व्याकुल हुआ जाया करते हैं, विद्वान लोग या राजा लोग इसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाया करते हैं। सर्वाः विनयानाम अधिष्ठातां च गच्छन्ति, और सभी प्रकार सर्व अविनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और यह लक्ष्मी को प्राप्त हुआ व्यक्ति सर्व अविनयानाम अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, क्योंकि यह राज्याभिषेक के समय इन राजाओं की उदारता को मानो मांगलिक कलशों के जल के द्वारा धो दिया जा, सभी प्रकार के अधिष्ठाताओं की यह जननी, अभिनय की, अभिनम्रताओं की, दुराचारियों की जो है यह क्या है, जननी है। तथा क्योंकि अभिषेक समय, अभिषेक के समय में राजा लोग विशेष रूप से विकृत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक समय एव, अभिषेक के समय में ही यह चैसाम च एसाम, और इसको मंगल कलश जलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्, मानो जो है मांगलिक कलशों के जल से, क्योंकि राज्याभिषेक के समय ही इन राजाओं की उदारताओं को मानो सर्वाः राजानः सभी राजाओं के मानो दाक्षिण्यम माने उदारताओं को मंगल कलशैः जलैः इव, मंगल माने कल्याणकारी कलश के रखे हुए जलों के द्वारा प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, मानो इनके उदारताओं को धुल दिया जाता है, अग्निकार्य धूमेन एव मलिनीक्रियते हृदयम्, हृदय मानो हवन के धुएं के द्वारा अग्निकार्य धूमेन एव, अग्निकार्य माने हवन के द्वारा, हवन की अग्नि के द्वारा उठे हुए धुओं से, धूमेन धुएं के द्वारा मलिनी क्रियते हृदयम्, मानो जो है हृदय को मलिन कर दिया जाता है, गंदा कर दिया जाता है। पुरोहित कुसाग्र सम्मार्जनीम अभि सम्मार्जनी भिरेव अपनीयते छान्ति, और मानो मित्रों यह लक्ष्मी क्या किया करती है, पुरोहित माने आचार्यों के कुसाग्र सम्मार्जनीम, कुसा के अग्रभाग के द्वारा मानो छान्ति सम्मार्जनीम, सम्मार्जनी माने झाड़ू, झाड़ू की भांति मानो जो है छान्ति को क्या कर दिया जाता है, बुहार दिया जाता है। और क्या है मित्रों, उसड़ी सपट बंधेन एव वक्षाद्यते जरागमन स्मरणम, जरागमन स्मरणम, कहा मित्रों जो है जैसे बुढ़ापे के आने का स्मरण मानो रेशमी कपड़ी की पगड़ी के बांधने से जैसे ढक दिया जाता है, उसड़ी सपट बंधने एव पगड़ी के बांधने से जैसे उसके जो है जरागमन के स्मरण को जैसे ढक दिया जाता है, वैसे ही मानो यह राजा लोगों के स्मरण शक्ति को कमजोर बना देती है, यह लक्ष्मी जो है इतनी मदशील होती है, इतनी मद से भरी होती है कि राजाओं के सिर पर जैसे
वृद्ध लोग अपने सिर पर पगड़ी बांध करके अपने स्मरण को जो है भुला दिया करते हैं, स्मरण शक्ति को, वैसे ही यह राजाओं के स्मरण शक्ति को भी भुला दिया करती है। कौन? इयम लक्ष्मी। उसडीस पट्ट बंधेन एव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण जो है वो भूल जाते हैं, वह यह नहीं समझ पाते हैं कि अब हमारी वृद्धावस्था आ गई है। आतपत्र मंडलेन एव अपवार्यते परलोक दर्शनम, और दूसरे लोक के दर्शन को, परलोक दूसरे लोक के दर्शन को जन्मांतर के प्रति दृष्टिपात मानो छत्र मंडल से रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? आतपत्र माने छाता। आतपत्र मंडलेन एव अपवार्यते मानो जो है परलोक दर्शनम, दूसरे लोक के दर्शन को मानो छाते के द्वारा ढक दिया जाता है। चमर आदि जो राजाओं के ऊपर पर सिंहासन पर जो लगे रहते हैं, तो मानो उनके द्वारा जो है, जो आतपत्र होता है, छाता होता है, जो चमर होता है, जो सोने का छाता बना रहता है, उस छत्र के द्वारा मानो परलोक दर्शनम, दूसरे लोक के दर्शन को ढक दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है मित्रों? सत्यम सत्यम सत्यवादिता वाप ह्रियते चामर पमनई, चावर पमनई। कहा जो है चमर आदि के हवाओं के द्वारा, चमर की हवा से मानो सत्य बोलना उड़ा दिया जाता है, मानो सत्यवादिता उनके अंतर्गत रह ही नहीं जाती है, मानो लक्ष्मी के द्वारा जो है उनकी सारी सत्यवादिताओं को चमर की हवा के द्वारा मानो उड़ा दिया जाता है। और कहा वेत दंडैः एव सार्यन्ते गुणाः वेद पत्रैः, वेत्र पत्रैः माने जो है गुण मानो वेत की छड़ी से भगा दिए जाते हैं। वेत दंडैः एव उपसार्यन्ते गुणाः, गुणाः मानो गुण, वेत्र दंडैः, वेत्र दंडैः माने जो है मानो गुण रूपी वेत की छड़ी के द्वारा, मानो गुण रूपी वेद की छड़ी के द्वारा उनके गुणों को क्या कर दिया जाता है? उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। यह लक्ष्मी जो है प्रभुता पाई का ही मदना ही, प्रभुता जिसके पास हो जाती है उसके अंतर्गत घमंड का होना स्वभावतः है। इसलिए हे राजकुमार चंद्रापीड, तुम्हें इन सभी गुणों से दूर रहना है, इन सभी अवगुणों से दूर रहना है। लक्ष्मी चूंकि इतनी गुणवान होती हुई भी लोगों को विलासी बना दिया करती है, और विलासिता युक्त जीवन धारण करने पर वह राज्य की सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड, तुम्हें इन जो है लक्ष्मी के दोषों से दूर रहना है। जय शब्द कल कलई इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। कहा जय जयकार के शब्दों की आवाज के कारण, जैसे राजा महाराजा की लोग जय हो राजा महाराजा की, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, ऐसे जो है जय जय के शब्दों को सुन करके उनके आवाज में साधुवादा सज्जन लोगों के द्वारा जो राजाओं का क्या किया जाता है, शाबाशी जो दी जाती है मानो वह कोलाहल के द्वारा दबा दी जाती है। अब वो शाबाशी भरे हुए सत्यवादी का या सत्य रूपी वचनों को नहीं सुन पाता है, बल्कि वह जय जयकार में मानो जो है पगलाया रहता है। दूसरे लोग उसकी खुशामदी कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, केवल वह जो है अपने गुणगान में ही वह व्यस्त रह रहा है, वास्तविक शब्दों को मानो नहीं सुन पा रहा है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड, तुम्हें जो है शाबाशी भरे वचनों को नहीं सुनना है, या जय की ध्वनि कोलाहल बातों से तुम्हें दबाया जाना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें वास्तविक गुणों का परिकलन करना चाहिए। और क्या है तो कहा ध्वज पट पल्लवी परामिष्यते यश, यश मानो पताका के वस्त्रों के छोरों से पोंछ दिया जाता है। ध्वज जो आगे आगे ध्वज राजा महाराजा के सामने जो है लेकर के मंत्री लोग चलते रहते हैं, तो ध्वज पट पल्लवी इव परामस्यते यशः, कीर्ति को
ध्वज के द्वारा, ध्वज के किनारों के द्वारा मानव कीर्ति को पहुंच दिया जाता है मित्रों। तो ये मित्र रहा आज जो है ये सुकनासोपदेश का 10वां और 11वां गद्य खंड मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों ये अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सभी को बताइए कि चंद्रा कोचिंग संस्थान में मित्रों जो है TGT की क्लास हर सब्जेक्ट की चालू हो गई है। अपने मित्रों को जोड़ करके आप एडमिशन के लिए देखिए मित्रों, नंबर है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या एडमिशन से संबंधित आपको कुछ पूछताछ करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8299 31 00 97। ये मित्रों नंबर है 8299 31 00 97। इस नंबर पर आप जो है फोन करके आप किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से एडमिशन लेना है, क्या कैसे जानकारी लेना है, आप तुरंत जो है पता कर सकते हैं। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।